Assalamu alaikum, KM Show, Sasyakal, Kero, Hale, Kasaka, Namaste, KM on our show and welcome to Big Boss Season 15 ka review with me, Aamir Ansari. Kya ho raha hai mera bhai? Hain? Bhai, aaj ka episode dekh kar, hume bas ek hi dialogue kehna hai, jo ki hamari film Pink ka hai. No, means no. But bhai, aaj bichkule ne jo kiya, wo absolutely nonsensical tha and bichkule agar jald se jald sudhar jaye to theek hai. और अनफॉर्चुनेटली इस बार वीकेंड का वार ऐसा देखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि गाइस बिचकुले की जो बैशिंग होने वाली है वीकेंड के वार पे, आई कैन जस्ट इमेजिन सलमान खान कन्फ्रंटिंग बिचकुले. क्योंकि गाइस किसी भी लड़की किसी भी महिला को ये बोलना कि यू नो तुम्हारे को पप्पी देगी, तुम्हारे को पप्पी देगी, जरा भी कूल नहीं है गाइस. आज जो भी इस घर में लफड़ा हुआ एंड जो भी इस टॉपिक को लेकर जिन्होंने माइलेज लिया, जिन्होंने एयर टाइम लिया, वो भी बहुत खराब है. कल तक तेजू काफी ज्यादा सेंसिबल लग रही थी इस घर में, लेकिन आज जो उसकी हरकतें थी, आज जिस तरह से शमिता ये कह रही है कि हर बात को तेजू झगड़े को खींच रही है, ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि शी वॉज जस्ट लुकिंग अनोइंग टूडे. हर बात में ऐसी अनोइंग उसने आर्ग्यूमेंट्स रखी है, स्पेशली वो आर्ग्यूमेंट यू नो शमिता के साथ वो खड़ी थी. वो कहती है कि यू नो एक पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी यू नो अगर पत्नी कंफर्टेबल ना फील करे तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकती है. यहाँ पर शमिता ने कहा कि तू क्या एग्जाम्पल किधर दे रही है, दिस इज वेरी कन्वीनियंट. एंड उसके बाद किस तरह से यहाँ पर उमर, सही बात है यार, नाश्ते में चावल कौन खाता है? हाँ बहुत लोग खाते होंगे यार, लेकिन मैं भी नहीं खाता नाश्ते में चावल, ये यूजुअल है. हाँ उमर ने किया जाए नाश्ते में चावल नहीं खाने हैं मेरे को, नाश्ते में चावल कौन खाता है? तो एक्सप्रेशन दे रही है व्हाट इज पुआ, पुआ इज फ्लैट ब्रेड, तू क्या मेरे पे चढ़ रहा है, मेरे को टारगेट कर रहा है. जबकि उमर ने सीधा पूछा, एंड में बोल भी दिया मैं खुद नाश्ता बनाऊंगा जाकर. हाँ एंड करण भी यहाँ पर उमर को बोल रहा है कि साले तू इसको टारगेट कर रहा है, इसको वो कर रहा है, ये कर रहा है. उमर बोला तो गलत फहमी है, इसको कौन टारगेट कर रहा है यहाँ पर. तो गाइस घर जो है काफी घुमा हुआ दिखाई दे रहा है एंड देवोलीना और मोमो का लफड़ा चल रहा है. देवोलीना रश्मि जैसा वो कहती है कि बीबी 13 में मैं तेरी मुर्गी थी, अब बीबी 15 में उमर तेरा मुर्गा है. एंड जब तेजू ने जाकर मोमो को पूछा कि क्या तुझे उमर पसंद है, तो उसने ये ना भी नहीं कहा और हाँ भी नहीं कहा, कहा कि मेरी फटती है, अब तो हम साथ में. वाह 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 भैया, मोमो सुहाने सपने देख रही हैं आप. हाँ उमर रियाज के साथ रियाज करना चाहती है. हाँ पिछले सीजन में चटनी कुमार के साथ चटनी खेल लिए थे आपने, आज आप लोग अब रियाज करना चाहती हैं उमर रियाज के साथ. हाँ तो गाइस अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी प्रेम कहानी सीधा प्लेन एंड सिंपल है. यहाँ पर करण कुंद्रा एंड निशान जो है वो उमर रियाज को पूछते हैं कि क्या आप मोमो के साथ रियाज करना चाहते हैं. उमर बोलता है चाय शाय पियो बाटो बात जाओ ले आ, वो कुछ नहीं बोलता है. वो कहता है यार ये सब क्या बोल रही है ये सब. वो उसको मतलब उमर रियाज की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मोमो डीपली इन लव है. तो आफ्टर रन देन चटनी वी हैव योर मेयोनीज, तो ये नया रफड़ा चल रहा है. चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं एंड लेट्स सी कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग में जो मंगेश को जो भैया दूध बेचो आके मंगेश जल्दी आ जाओ लोखंडवाला में, साले ये हफ्ते तो वैसे भी तुम एलिमिनेट होने वाले हो. सो गाइस एपिसोड की शुरुआत हुई किस तरह से, उमर और मंगेश जो है वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे. मंगेश ने क्या किया, जो चोरी का सामान है वो लेके वो भाग रहा था. उमर बोल रहा है यार तू क्या चौकीदार है क्या, तू क्या संचार है क्या, तू कौन है, तू ये क्यों कर रहा है सामान, तू मत चोरी कर, चोरी का सामान है तो क्या हो गया. जीजू बोलता है ये सामान चोरी का है, समझ में आ गया ना तेरा, हम लेके जाएंगे नहीं लगेगा फोड़ देंगे हम इसको. जीजू इतना साला हाँ हसबुल्ला जैसा एक्टिंग करता है यहाँ पर. हसबुल्ला का छोटा सा बौना बच्चा है, वो मारता है सबको जाके, बॉक्सिंग करता है. गूगल करो हसबुल्ला, हसबुल्ला इज रितेश, सेम रितेश लग रहा है हसबुल्ला. यहाँ पर मारामारी कर रहा है, उमर के मारामारी कर रहा है, राजीव के मारामारी करने जा रहा है. अब गई बिचुकले की ठरक गई यहाँ शुरू हो जाती है. बिचुकले कहता है हे मैं गाड़ू, तू जो बोलेगी ना मैं तेरे लिए करूंगा. देवली ना तू जो बोलेगी मैं तेरे लिए करूंगा, समझ में आ गया. लेकिन बिचुकले की सबसे पहली डिमांड ये है कि मोमो को जेल में डालो. अब गाइस उमर भी एक गार्ड बना हुआ है, तेजू भी एक गार्ड बनी है, कुंद्रा गार्ड बना था लेकिन कुंद्रा गार्ड का कपड़ा उतार के फेंक देता है. बिचुकले कपड़ा पहन लेता है, कुछ लफड़ा होता है वहां पर. एंड किस तरह से यहाँ पर उमर कहता है कि बार बार क्या मोमो को जेल में डाल रहे, उसको भी खेलने दो यहाँ पर, समझ में आया. रितेश जाता है, कहता है कि सोफे के नीचे डब्बे में सब सामान तुमने छुपाया हुआ है. सोफा उठाता है फेंकने के लिए जाता है, मोमो और देवो क्लैशिंग. मोमो देवो को बोलती तू बेवकूफ, देवो बोलती है तू बेवकूफ यहाँ पर. हाँ वहां उमर तेजू और कुंद्रा आपस में भिड़ रहे हैं कि क्यों सिक्योरिटी गार्ड बनने वाले थे, ये बिचुकले कहाँ से आ गया, हाँ मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, कपड़े उतार दिया मेरे. हाँ ये सब उन लोग आपस में भिड़ रहे हैं. आस्ते आस्ते उमर एंड कुंद्रा के बीच में अब जो झगड़े है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए एंड उसकी एक ही फसल की जड़ है नया देन तेजू. अब गाइस यहाँ पर जो मांडवली शुरू होती है बिटवीन बिचुकले एंड देवा वो कुछ इस तरह से है.
विचुकला बोलता है तू मेरे लिए क्या करेगी अगर मैं तेरे को सामान लाके दूंगा, इम्यूनिटी देगी ठीक है चल अभी मैं तेरे लिए सब लेकर आता हूँ लेकिन कुछ भी करूंगा और पप्पी लेनी है तेरी मेरे को। देखो गाइस बिचकुल ने जो बात कही पप्पी लेनी है मेरे को तेरे को देवोलीना को तभी पहली बार जब बोला ना तो उसको या तो फिर जो भी तुम्हारा लाफा मारने का मन करा लाफा मार दो या फिर ऑब्जेक्शन उठाना उठा लो। उसने पहली बार में कुछ भी रिएक्ट नहीं किया यहाँ पर और उसका वो गाल भी जो है देवोलीना का वो पकड़ के वो आगे चला गया। देवोलीना कहती है कि ये सब नहीं उसी टाइम चिल्लाने का था लेकिन गाइस बिचकुले कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पर। ऐसी बातें है यार का शादीशुदा आदमी यहाँ के उसको बोल रहा है तेरी पप्पी लेनी है मेरे को। हाँ ये अलग बात है कि तेजू ने उसको एकदम खींच के मुद्दा बना दिया यहाँ पर। अब गाइस यहाँ पर मोमो रोती है कहती है मुझे चोरी भी नहीं करने दे रहे कुछ भी करने के लिए दे रहे टास्क ही नहीं खेलने के लिए दे रहे। हाँ तेजू बोलती है अरे क्यों ऐसा बोल रही है कोई अनफेयर नहीं है तेरे लिए बिचुकले तेरे को जेल में जाना चाहता था मैं उमर ने तेरे को बचाया जेल नहीं जाने के दिए समझ में आएगा तेरे को। हाँ देवोलीना वापस से बिचुकले को इंस्टिगेट करती है कहती जाओ 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 और सामान लेके आओ जाओ ना जाओ और सामान लेके आओ। हाँ अब मोमो गई है कंधा ढूंढने के लिए कुंद्रा के पास कुंद्रा के पास गई है कंधा ढूंढने के लिए। हाँ एंड जैसे मोमो जाती है कुंद्रा के पास वहां पर तेजू भी वहीं आ जाती है। अब गाइस तेजू बोलती है ये सब करेगी ना मेरी खनकेगी सब समझ में आ गया फुल खिचड़ी बन रहा है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है एंड बिचुकले फुल एक्साइटेड हो जाता है। देख मैं तेरे लिए सामान ला चल अंदर जाएंगे अपन ये डबल के अंदर जाएंगे पपी लूंगा। यू आर लुकिंग साइको मैन सीरियसली बोल रहा हूँ एंड यहाँ पे सब लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं एंड गाइस देवोलीना वापस से बिचुकले को कहती है कि जाओ सामान लेके आओ और वापस से बिचुकले एक ही बात करता है पपी देगी ना यानी कि बिचुकले का इंटेंशन सही था या गलत जिससे पता चल ही जाता है। हाँ राजीव यहाँ पर बिचकुले को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है कहता है नहीं उसका इंटेंशन वो तरीके से नहीं था नेशनल टेलीविजन पे जाने वाला है ये सब कुछ। हाँ उसके घर पे बीवी भी है वो भी देखने वाली है यहाँ पर। हाँ बिग बॉस कहता है भैया यहाँ पर किंग कोई बनना नहीं चाहता सब किंग मेकर बनना चाहते हैं। गार्ड्स लोग आपको साले बोला था यहाँ पर कंटेस्टेंट्स की मदद करने के लिए लेकिन आप तो साले कंटेस्टेंट्स बनकर खेल रहे हैं चोर की जिंदगी आसान कर दी आप लोगों ने रद्द कर दीजिए तो टास्क रद्द हो जाता है। टास्क रद्द हो गया कोई भी टिकट टू फिनाले किसी को नहीं मिला। अब बिचुकले कहता है ये देवोलीना ये सबसे तू जाके बात मत कर। देवोलीना बोलती है ए बिचुकले तू लाइन क्रॉस मत कर समझ में आ गया ना हाँ लाइन मत क्रॉस कर। मोमो रोती है एंड गाइस देवोलीना जाकर कह देती है राखी सावंत को कि इसने मुझे कहा कि तू मुझे पप्पी कब देगी। बिचुकले बोलता मस्ती है क्या मस्ती है। अब राखी सावंत को चाहिए था मुद्दा। अबे वो टाइम पर जब ना ट्विटर ऑर्कुट फेसबुक था राखी सावंत ने कांड कर दिया था पूरा मिक्का सिंह की हालत बेचारी खराब हो गई। मिक्का सिंह ने भी किया तो गलत था ओके वो पूरा गलत था लेकिन वो कंट्रोवर्सी वाज हाईलाइट ऑफ राखी सावंत करियर। राखी बोलती है पप्पी ए मिक्का सिंह है क्या तू। बिचुकले बोलता है मैं नहीं बोला नहीं चलते है ना बच्चे लोग को पप्पी देते हुए चलते ना। हाँ देवोलीना कहती जबरदस्ती नहीं करना मेरे साथ। राखी बोलती है ब्लैकमेल कर रहा है क्या तू। बीच में वो आता है मेंटोस की ऐड देंगे भाई प्रतीक सहजपाल तुमको जब तुम बापा बाहर निकलोगे क्या बोलता है रे वो कुछ भी समझ में नहीं आता है वो। हाँ प्रतीक कहता है सबकी माँ बहनों को ऐसा बोलोगे। हाँ अब फिर तेजस्विनी को तो ऐसा लगता है जैसे कि कॉलेज की वो जो महिला वो लीडर रहती है ना उड़ जाती है जो बोलती है आप नीचे। प्रतीक बोलते बाहर जाएगा ना बाहर जाएगा लोग तो चप्पल से मारेंगे। तेजू बोलते आई फील लाइक आई स्लैप हिम वंस आई फील लाइक स्लैपिंग हिम। प्रतीक बोलता है ऐसा करोगे बाहर को थप्पड़ मार देगा। अब गाइस एक ही आदमी था जो बिचुकले के सपोर्ट में यहाँ पर आया। निशान कहता है यहाँ पर इनकी लिमिट जो है मजाक की देवोलीना एंड बिचुकले की ये देवोलीना डिसाइड करेगी ये लोग आपस में डिसाइड करोगे समझ में आ गया। देवोलीना कहती नहीं एक कंटिन्यूसली बोल रहा था पप्पी लेगा। हाँ तेजू जाती है बिचुकले को धक्का मारती है जोर से धक्का मारती है कहती माफी मांग फुल चिल्लम चिल्ली होती है। देवोलीना बिचुकले बोलता अरे मैं माफी मांगता हूँ देवोलीना मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जाकर उधर हाथ लगा। देवोलीना बोलती
चल 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 चल, वो मजाक नहीं था। बिचुकले बोलता है बाबा उसको इशू मत बनाओ, लेकिन निशान याद बिचुकले याद खड़े रहता है एंड कहता है कि देवोली ना तू मजाक नहीं करती, तू मजाक नहीं करती क्या, तूने तो उसको गाली भी दिया था। मोमो ताली बजाती, वाह 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 देवोली ना, ये उंगली देगी ना तो तेरा हाथ ही पकड़ेगा ना वो। शम्मू कहती हाँ देवोली ना भी मजाक करती है। तेजो बोलती है मोमो तू ऐसा बात क्यों कर रही है, तू किसको सपोर्ट कर रही है, बिचुकले को सपोर्ट कर रही है। मोमो बोलती है जब शमिता को गंदी नाली का कीड़ा बोला तब तो इसको किसी ने नहीं रोका आकर। हाँ देवोली ना कहती है मेरा मजाक का लाइन अलग है, समझ में आ गया मजाक ऐसा नहीं होता। मोमो कहती है देवोली ना तेरे को ना लाइन ड्रॉ करनी चाहिए मजाक की, समझ में आ गया। तेजू कहती है सुनो ध्यान से, अगर एक औरत भी अपने पति के साथ रहेगी अगर वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगी ना शी विल ड्रॉ लाइन। शमिता बोलती है क्या एग्जांपल दे रही है तू, पति पत्नी का इसे क्या है, ये सब रिश्ता ही अलग है, इट्स नॉट फेयर। लड़के के लिए बिचुकले के लिए फेयर नहीं है, इसको अभी से अपराधी तुमने घोषित कर दिया। प्रतीक क्या ज्ञान बांट रहा पता है, हर एक लड़के की एक सीमा होती है। जब प्रतीक के साथ हुआ था वो चेंज रूम वाली हरकत, क्या प्रतीक का इंटेंशन गलत था, जब वो कुंडी खोला था क्या गलत था, वो अपना भूल गया, वो यहाँ पर अब बिचुकले के पीछे चढ़ गया है। निशान बोलता है देवो तू चिल्लाई थी ना उस दिन, गाली दी थी ना बिचुकले को तू, हाँ समझ में आ गया। उमर कहता है ये तेजू है ना देवो की वकील बन रही है। हाँ देवो यहाँ पर बेड पे जाती बिचुकले को फुल चिल्लाती, कैमरा मैन वो लाए थे स्टडी कैम लेकर आए थे अंदर से, कांच में से देवो की शूटिंग निकाल रहे थे लोग वहां पर। हाँ उमर कहता है कि देवो तेजू देवो की वकील बनी हुई यहाँ पर। देवो जाती है खूब चिल्लाती है बिचुकले को, निशान भागते भागते आता है और बिचुकले को बचाता है, वरना उसको कोई नहीं बचा रहा था घर में, उसने इतना फालतू काम किया है यानी सब राशन पानी लेके चढ़ गए थे उसके ऊपर। एंड करण कुंद्रा तो इतना बोलता है कि उसकी टांगे तोड़ देंगे हम लोग। लेट्स सी सलमान भाई क्या बोलते हैं, आई थिंक सैटरडे को बहुत मजा आने वाला है एंड गेट रेडी फॉर एन एक्शन पैक धमाका एपिसोड। हाँ निशान कहता है साइड नहीं ले रहा हूँ उसकी, सॉरी बोला ना बिचुकले खत्म करने का, समझ में आ गया। कुंद्रा बोलता है उसकी टांग तोड़ देंगे अगली बार ऐसा किया तो। उमर कहता है के सब क्या बोल रहा है यार, टांग तोड़ देंगे। हाँ उमर भड़क जाता है, कहता है देवो ये भी तो गाली देती है। देवोली ना वहां खड़ी रहती है, उमर कहता भिड़ रही है, उमर यहाँ पे तेजू पे भिड़ जाता है, तेजू बीच में बोली जा रही है। हाँ उमर बोलता है चुप कर तू कौन होती है बोलने वाली, हाँ तू क्यों बोल रही है बीच बीच में, ये होती है कौन है हर मामले बीच में आने के लिए। क्योंकि ये सारा का सारा मैटर जो था, क्योंकि वहां पे शमिता शेट्टी भी थी एंड जितना फेमिनिज्म शमिता शेट्टी के अंदर उतना तेजू में भी है। एंड ये बात तेजू ना बाद में शमिता शेट्टी ने भी बोली भी, तेजू बोलती है ऐसा है ना वो नहीं तो मैं टांग तोड़ दूंगी। शी वॉज गेटिंग सो हाइपर चार्ज्ड अप। हाँ शमिता कहती है देखो बिचुकले जी कोई भी भाषा हो कुछ भी जेस्चर हो पप्पी मत मांगना किसी से, समझ में आ गया। देवोली ना बोलती देख रश्मि क्या बोली तूने मुझे, उंगली देगा तो हाथ पकड़ लूंगी। हाँ तेजा फुल मिर्ची लगा रही थी वहां पे। शमिता कह रही है जब से वीकेंड का वार हुआ है ये तेजा जो है हर झगड़े में आ रही है, हर झगड़े में आकर सब मैटर को स्ट्रेच कर रही है एयर टाइम लेने के लिए। बिचुकले बोलता है बाबा मेरा ख्याल है ना देवोली ना रखती थी, वो मेरे दोस्त थी मस्ती में तो अभी तक कुछ इश्यू नहीं हुआ। वो बेचारा बहुत वो था, मतलब उसको बेचारा भी नहीं कह सकते ये हरकत कर रहा है। उसको बोले पप्पी देगी मेरे को। हाँ देवोली ना कहती है PB-13 में मैं मुर्गी बनी थी देव मोमो, अब उमर को मुर्गा बनाया है, उसके बाद रश्मि जैसा डज द अनबिलीवेबल। कहती है चल इसको बकरा बनेगा, आई लव उमर बोल अब बोल क्या करना चाहती है। उमर की तो फट गई ना, ये क्या हो रहा है वो कर रहा था खड़े रहके। हाँ देवोली ना बोलती है यू आर अ मौका परस्त। हाँ उमर हाँ मोमो देवोली ना को बोलती तू मौका परस्त है। अब गई यहाँ पे शमिता बहुत वैलिड पॉइंट उठाती है, कहती है तेजू का सच्चाई की मूरत है। हाँ हम लोग भी वहां खड़े थे ना, अगर कुछ होता गलत इससे ज्यादा आई वुड हैव बीन द फर्स्ट वुमन टू स्टैंड, समझ में आ गया इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। ये तेजू सिर्फ मुद्दे को घुमा रही है। उमर भी कहता है हाँ ये सिर्फ मैटर को घुमा रही है। कुंद्रा को नहीं दिखता कि तेजू उंगली कर रही है सबको। हाँ एंड जितने लोग भी जो बीच में आए हैं ये सब लोग मसाला ले रहे हैं इसके बीच में। तेजू बोलती है मैं भी लग रही हूँ देखो मसाला लेते हुए। उमर बोलते हैं नहीं सब लोग जितने लोग आए सब मसाला ले रहे हैं। अब गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग देवोली ना नीड्स हेल्प एंड इवन बिचुकले नीड्स हेल्प, दे हैव लॉस्ट देयर मार्बल्स
देयर वो यू नो डज नॉट अपियर टू बी नॉर्मल. जो को रेंज ले जाती झगड़ा करने का ना, बहुत ही बेकार लग रही है. मोमो कहती है उमर तो अच्छा लगता है लेकिन बोलने को मेरी फटती है. अब तो मैं उसके साथ हूँ यहाँ पर. ये सीधा तेजू को बोलती है. उमर यहाँ पे निशांत और कुंद्रा चिढ़ा रहे हैं यहाँ पर. कहते अरे भाई आई लव यू बोल दिया मोमो भाभी ने, अब तो मोमो पार्टी होगी, मोमो पार्टी, मोमो पार्टी, मोमो. उमर बोलता है चल हटा मोमो, मुझे क्या बोलना है, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे बस यही कहना है. मोमो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है. उमर रिया समझ में आ गया. अब गाइस यहाँ पर निशांत और मुंद्रा जो है बैठे हुए यहाँ पर दोनों कहते हैं कि एक काम करो यार, अपनों को नहीं मांगते इन लोग यहाँ पर, टिकट टू फिनाले इन लोग को दे दो. अब गाइस राजीव जो है सुबह होती है सब डांस करते हैं एंड राजीव यहाँ पर कहता है कि ये जो बिचुकले है जो भी कल हुआ इसका इंटेंशन गलत नहीं था. घर पे उसकी बीवी भी है एंड गाइस निशांत भी कह रहा है मुझे भी काफी ऑब्जेक्शनेबल रखा इन लोग ने, बहुत सच्चा इस ब्लैकमेल यूज किया, मुझे काफी अच्छा नहीं लगा. फिर फालतू लफड़ा वही कि किचन ड्यूटी मैं करेंगी, लंच ड्यूटी तू करेगी, मैं ड्यूटी मैं जनरल. इसी में तुम लोगों ने पूरी टीआरपी की वाट लगा के रख दी है. फिर से वो बिग बॉस दिखाता क्यों है ये सब. हाँ उमर यहाँ पे राजीव को सपोर्ट करता है, कहता है हमेशा वो खाना बनाता है, समझ में आएगा उसको, तुम लोग खाली पकड़ हैरान कर रहे हो. राखी बोलती है ठीक है चलो मैं ड्यूटीज जो है डिवाइड करती हूँ, लेना मजनू यानी के कुंद्रा एंड उसकी दोस्त यानी के तेजू तुम लोग काम करो, जाके संडास साफ करो. मोमो बोलती है मुझे लाइट ड्यूटी चाहिए यहाँ पर. हाँ मोमो कहती है मैं संडास धोऊंगी यहाँ पर. हाँ बिचुकले सो रहा था बेचारा. उमर कहता है नाश्ते शास्ते लगाओ यार, नाश्ते में क्या दाल चावल है, क्या चावल खाते क्या नाश्ते में. तेजू बोलती है पोहा इस फ्लैट राइस. उमर बोलता है मेरे को तेरे से प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया. करण को बोलता है तेरी आइटम को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फुल तेजू उसको चिल्ला रही थी यहाँ पर उमर को. एंड करण कहता है वैसे ही लग रहा है कि तू इसको टारगेट कर रहा है, समझ में आ गया. तेजू यहाँ पे क्लियर कर देती है, कहती है देख उमर इतना तो क्लियर है कि तू और मैं जो है वो दोस्त नहीं है. एंड बेचारा बिचुकले अपनी सफाई दे रहा है, कहता है मैं अभी तक देवों के लिए खेला, जो भी उसको मांगता था मैं लेकर आया, हम लोग मजाक भी करते थे लेकिन ऐसा क्या हो गया जो ऐसा बोल रहे, मैं तो सबके सामने सॉरी भी बोल दिया हूँ. हाँ मोमो कहती है देखो बिचुकले जी दूर रहो उससे, देवोलीना से, समझ में आ गया. अब गाइस शम्मो कहती है कि लिसन मोमो एवरीवन इज फेवर ऑफ देवो, इवन तेजू इज इन फेवर ऑफ देवो, नेचुरल टारगेट हम बन जाते हैं, समझ में आ गया. एंड तेजरन फालतू गिरी कर रहे थे, गाना गा रहे थे बैठ के, एकदम एकदम क्या बोलूं, वो शब्द नहीं है मेरे पास, एकदम मेडअप फेक लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि उनको बोला गया भाई अभी 11-12 बज गया ना, गाना गाओ ताकि तुम लोग को थोड़ा एयर टाइम दे सके हम लोग. हाँ शम्मू कहती है कि तेजा मैं जब गलत जाती थी तब तुम भी मेरे को समझाता था. अरे भैया तुम भी याद आ रहा है कि ना आप लोगों को, ये दिल आशिकाना भाग साला ओटीटी वाला कंटेस्टेंट सब मस्त था. हर भैया आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था, ये दिल आशिकाना भाग साला हमारा फेवरेट तुम्बिन था. पर बस अनफॉर्चुनेटली ओटीटी कंटेस्टेंट्स जिस तरह से थे वैसे इस बार नहीं थे. हाँ लेकिन गाइस यहाँ पर कहती है शमिता जब मैं गलत होती थी ना मुझे तुम्बिन समझाता था, लेकिन जब तेजू गलत होती है तो कुंद्रा से समझाता नहीं, उसकी हाँ में हाँ बोलता है. सो गाइस अभी घमासान हो चुका है, आई थिंक उमर बगावत करेगा, कर लिया है कुंद्रा के साथ. तेजू इज गोना क्रिएट सम रियल रिफ्ट बिटवीन एवरीबॉडी. लेट्स सी क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा. एपिसोड पसंद आए प्लीज यहाँ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. क्या बिचुकले सही था, क्या बिचुकले गलत था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल.